अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है एनर्जी LED, जो कि 22-23 वाट का होता है, 13 वाट का भी होता है, मुख्तलिफ किस्म का होता है। उनको रिपेयरिंग कैसे किया जाता है? ख़राब हो जाए, सड़ जाए, जल जाए, तो उसको कैसे रिपेयरिंग करें? और मेरे पास एक दोस्त लेके आया कि इसको रिपेयरिंग करना। मैंने कहा चलो आओ, इसके बारे में आपको भी मालूमात दे दूं कि इसको कैसे रिपेयरिंग करते हैं, कैसे घर पर आप ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आगे वीडियो में सारी मालूमात देता हूं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, मेहरबानी। तो चलो चलते हैं आज अब सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। तो ये LED एक मेरे पास है और इसको मैं पहले चेक करता हूँ इसके साथ, जो है टेस्ट लैंप के साथ, ये देखे नहीं ऑन हो रहा। तो अब इसको मैं आपके सामने इधर रिपेयरिंग करूँगा। ये मैंने ओपन कर लिया और इसको देखने में एक आया छोटा सा जो कि फॉल्ट, मुझे जो इसे देखने में नज़र आ रहा है ये LED जली हुई है। इस तरह LED को चेक करते हैं। LED जो जली हुई है उसको आप ये चेंज भी कर सकते हैं किट, उसके अलावा किट चेंज करने के अलावा आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको रिपेयरिंग करने का तरीका आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद LED भी चेंज करके दिखाऊँगा भी ऐसे LED चेंज करते हैं ये 22-23 वाट की। इसको ऐसे कर लेना है, इसको साफ़ कर लेना है आपने अच्छी तरह, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आपने ये करके साफ़ कर लेना अच्छे से। फिर उसको थोड़ी सी ये भरोसा लगा लेना है। तो उसके बाद आपने इसको टांका लगा देना है। तो जी दोस्तों, आप इसको इसमें अच्छी तरह टांका लगा देना, आपने इन दो पॉइंटों को आपस में मिला देना जैसा कि आपके सामने मिल गया है। तो ये अब भी इसको मैं आपके सामने ऑन करके दिखाता हूँ, उसी सीरीज बोर्ड के ज़रिए आपको ये चल, उम्मीद है कि चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो जली हुई थी वो LED उसको हमने सही कर दी है। ये देखें, ये आपके सामने है, ये देखें। चेंज करके बताता हूँ, ये दो लेके आया था दोस्त, एक हमने कर दिया और इसका अब LED चेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको भी LED किस तरह चेंज करते हैं। इसकी भी जली हुई है कुछ LED, लेकिन इसकी मैं आपको पूरी चिप ही चेंज करके दिखा देता हूँ कि किस तरह करते हैं। तो ये दोस्तों, इस तरह हमने इसको इनको लैदा कर लेना टांकों को। उसके बाद ये जो वाइट वाला है ना, वाइट वाला उतार देना इधर से, ये जो इन्होंने लगाया हुआ है, इसको उतारने के बाद आपकी इधर से LED लैदा हो जाएगी, सर्किट इसका लैदा हो जाएगा। तो दोबारा इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट आया जिसके जो कि सर्किट ही सड़ा हुआ, जला हुआ, उसको अब मैं आपको सर्किट भी चेंज करके दिखाऊंगा। अभी ऐसा सर्किट चेंज करते हैं इसको, इसको अच्छी तरह हमने साफ़ कर लेना है। मैं आपको दूसरी LED नई इसको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह लगानी है। तो जी दोस्तों, इस तरह आपने LED को इसके अंदर फिट कर लेना। उसके बाद ये एक मिलती है समाध बाज़ार से, ये लगा देनी है, ये वाली समाध। समाध को आपने थोड़ा थोड़ा इसके साथ लगा देना। तो दोस्तों, इस तरह आपने समाध लगा देनी है। अब इसको हम टांका लगा देंगे, टांका लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको मैं चला कर चेक करवा दूंगा कि ये देखो इस तरह से इसको कर। तो जी दोस्तों, इस तरह इसको अच्छी तरह आपने सोल्डर कर देना, टांके लगा लेने हैं साइड पे आपने समझ। और अब आप इसको ये भी मैं चेक करवाऊंगा, पहले बार अभी चेक करवाया, ये सीरीज बोर्ड के ज़रिए मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखें, इसी तरह हमने दोनों LED अब से ठीक कर लिए हैं। ये वाला पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, इसके हमने एक LED चेंज किया, इसको हमने वैसे ही ठीक किया है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को और लाइक दें, मेहरबानी।